दिल में चुभी है सुई, दिल में चुभी है सुई, उई 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 उई। आज मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट आकाश शेराज, एक ऐसे प्रोग्राम के साथ जिसका नाम है फंटरव्यू। और आज जो सेलिब्रिटी हमारे साथ मौजूद हैं, बला की खूबसूरत, द वन एंड ओनली, मेरी अम्मी शगुफ्ता एजाज। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। डिसअपॉइंट भी हुए होंगे लोग, तुमने इतना एक इमोशन क्रिएट कर दिया और इतना एक, आपको मैंने माँ का दर्जा दे दिया है, तो बुरा है इसमें? नहीं नहीं, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, तुम्हारे लिए उससे भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझसे 4 साल छोटे हो के तुम मुझसे 20 साल छोटे बन गए हो। मेरी मुझे काफी लोग कहते हैं कि यार तुम लगते नहीं हो इतने मतलब एजेड, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि मेरे अमाल अच्छे हैं। ये नहीं, ये किसकी तरफ इशारा है आपका? नहीं नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ। और माशाल्लाह 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 से मतलब वो आप नहीं लग रही शगुफ्ता एजाज जो मैंने तकरीबन कुछ सालों पहले देखा था। क्या फर्क है? मतलब आप खूबसूरत हो गई हैं और अमाल है। आप नहीं, वो तो हैं, लेकिन आप स्लिम हो गई हैं, आप डाइट कर रही हैं? हाँ डाइट कर रही हूँ। कौन सी वाली मुझे भी बताएं, मैंने अपने गाल कम कराने, मैं इसलिए गाल नहीं कम हो रहे मेरे क्योंकि मैं कहीं भी जाता हूँ ना, जो खूबसूरत लड़कियां होती है ना, मेरे गाल खींचती हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या वजह है। तुम उल्टे करा लो गाल, यहाँ लगा लो गाल, हैं यहाँ लगा लो गाल। नहीं, वो अंदर से खींचेंगे ना, बाहर से खींचेगा मुंह। आगा शिराज के साथ काम करके आपको कैसा लगा? द वन ऑफ द टॉप मोस्ट एक्टर ऑफ पाकिस्तान, माशाल्लाह, देयर इज नो डाउट। और वो मतलब बड़ा हैंडसम सा बंदा है। इसमें वैसे हैंडसम पे तो मुझे एतराज है। अच्छा। लेकिन अच्छे एक्टर पे मुझे कोई शक नहीं है। और खैर मैं व्यूअर्स को बताऊं तो मैं क्या बताऊंगी। अच्छा, मैं कि आगा के साथ ये है कि ही इज सच अ डार्लिंग ह्यूमन बीइंग, ही इज सच अ स्वीट हार्ट, और काम में इतना अच्छा। सीरियसली टाइमिंग, जब हम कोई अभी किसी प्रोजेक्ट में साथ होते हैं, कॉमेडी प्रोजेक्ट में, मैं इतनी डेडिकेटेड होती हूँ कि मुझे कोई हंसा नहीं सकता, लेकिन जब ये सीन कर रहा होता है तो मैं, मेरे लिए सीन करना मुश्किल हो जाता है। बस बस बस, बस। टिश्यू दो भाई, आंसू साफ कर। इतना ही इंटरव्यू करना है, 5 मिनट का, दैट्स इट। बस नहीं नहीं, अभी चलना है ना। सवाल जवाब, जल्दी सवाल जवाब पे आते हैं। हाँ। ऐसी कोई एक बात जो आपने लोगों से कभी शेयर ना की हो, मतलब होता है ना कि बहुत से, मैं हर किसी से ये सवाल करता हूँ। हाँ। कि किसी ने बड़ी एमी चवली मारी है, कोई कुछ भी कह जाता है, ऐसी जो कभी शेयर ना की हो, आज आप दिल की बात मुझसे कहते हैं। आप जब मैंने किसी से नहीं की तो मैं यहाँ क्यों करूँगी? अगर हमारी इंडस्ट्री को किसी को आउट करना हो आपने, हाँ भाई, तो खुदा के लिए तू चला जा, हमारी जिंदगी पे बोझ है एक्टिंग पे। हाँ। किसको? ये जो क्या नाम है, सना। अब सना बहुत सारी हैं। नहीं नहीं, ये जो मूवी में दानिश तैमूर के साथ, सना जावेद। या सना को निकाल लेना आप, अब कोई नहीं, भी सना। वो कोई सना नहीं, बहुत सारी अच्छी। हाँ, सना तो है। एक सना निकल गई, सना एक्टर बहुत अच्छी। हाँ, है। वो तो नो डाउट। लेकिन ये कि ये जो दानिश तैमूर के साथ मूवी में थी, हीरोइन जो थी उस मूवी की, वो मतलब मुझे ये चीजें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती कि आर्टिस्ट हैं, हम्बलनेस इज मस्ट। यस, आप अपने टेंट्रम जाके कहीं और दिखाएं, अपने घर में दिखाएं। यस yes, लेकिन yes, आप yes. ये नहीं दिखा सकते कि एक सीनियर आर्टिस्ट जो है बुशरा अंसारी या वो बैठी हुई हैं और आप उनको वेट करा रहे हैं बिकॉज ऑफ योर ओन लुक्स, योर ओन ग्रूमिंग। आई हैव नेवर वर्क विद हर, लेकिन ये सब कुछ मैंने उन्हीं लोगों से सुना है जिनकी मैं बात कर रही हूँ, और मुझे ये चीज़ बड़ी अनरीजनेबल लगी कि एक तो एज का डिफरेंस है। yes. और दूसरा ये कि इस इंडस्ट्री में होते हुए आपके सीनियर एक्टर हैं, आपको बजाय इसके कि उनके पाँव छुएं, उनसे कुछ सीखें, आप उल्टा उन्हें अपसेट कर रहे हैं अपने एटीट्यूड से, अपने टैंट्रम से। चलो खैर है, ये तो बातें होती रहेंगी। मुझे बताइए, अगर आपको गुस्सा दिलाना हो तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है? झूठ बोल दें या मुनाफ़त कर दें। पता है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तो ये तो सच है। हैं? ठीक है। कभी किसी को आपने राय दी और उसे बुरा माना हो? ये कर लो, ये कर लो। बहुत, मतलब बुरा मानना कहा नहीं कि मुझे बुरा लगा है, लेकिन उसे फेस एक्सप्रेशन, लेकिन एक्सप्रेशन से पता चला कि। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी प्ले में कोई एक ऐसी एक्ट्रेस भी आ गई हो और आपने कहा यार नहीं यार मैंने काम नहीं करना उसके साथ, आई एम सॉरी, कभी होता है जैसे अभी? मैं पर्सनल चीज़ों को कभी प्रोफेशनल चीज़ों से मिक्सअप नहीं करती।
रियल लाइफ में मेरी किसी से कितनी ही लड़ाई क्यों ना हो, इफ दे कास्ट मी विद दैट कैरेक्टर, मैं पूरा पूरा निभाऊंगी उसे. गुड है, गुड है. चलें, ट्रू एंड फॉल्स. ओके, आपको अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है? किसे नहीं लगता. आप अपनी बारे में रूमर सुनकर गुस्सा हो जाती हैं? पहले होती थी, अब नहीं होती. अब वैसे बड़ी मैंने सुनी आपके बारे में बातें. हाँ, सुनी बड़ी, होंगी. बड़ी बड़ी बातें सुनी होंगी. एक दफा मैं सो के उठी, और मैंने ऐसी टीवी ऑन किया, यूं बहुत साल पहले की बात है, तो एक कोई प्रोग्राम चल रहा था, मैगजीन शो, उसमें था औरतों की सुल्तान राही शगुफ्ता एजाज. मेरी तो नींद नींद गायब. मैंने कहा ये क्या है, मुझे बड़ा गुस्सा आया. फिर कोई अगर शो है, जैसे मैंने जब सैलॉन स्टार्ट किया तो मुझे असफर ने अपने शो पे बुलाया, उसने कहा कि सबान सारी तो आपके बारे में ये कहती है वो कहती है, उस पर मुझे गुस्सा आया. मैंने चार बातें और उसे भी कह दी. अब जाके मैं रियलाइज़ करती हूँ कि नहीं, मतलब इट डजंट मैटर. आपको इंडिस्पेंसिबल होना चाहिए, कि कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपके साथ. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, वन वर्ड आंसर, ठीक है ना? एक एक दो भी हो जाएंगे, कोई बात. चलें, खैर. मॉर्निंग शोज, हेट इट. फिल्म या ड्रामा? आई वांट टू डू अ फिल्म. ओके, हॉलीवुड या फिर बॉलीवुड? फिल्म अगर करना चाहें किसको प्रेफर करेंगे ज्यादा? बॉलीवुड. हॉलीवुड नहीं? अच्छा, इंग्लिश बोली जाती है, इस वजह से परेशान है आप? नहीं, वो तो तुम्हारा मसला होगा ना. मैं अपनी बात करूं. I can speak English very well. You can talk, walk English, everything. Yeah. I know. अगर if you want me to, I can summarize all the show in English if you want. Otherwise, I don't mind. करके दिखाओ बच्चू अब. चलो, अगले सवाल इंग्लिश में. चलें, अब जो 5 मिनट का सेगमेंट रह गया, also do in English, okay? The other one word answer is with the Bhushan Sariya Samavid. यार ये बड़ा मुश्किल सवाल है. वो भी टॉप पे है, बुशा भी टॉप पे है. लेकिन अगर दोनों को कंपेयर किया जाए ना, तो मैं बुशा को ऊपर करूंगा. शी इज अ वर्सेटाइल पर्सन. कॉमेडी करा लो तो ऐसी कॉमेडी के क्या बात है. मैंने जो उनके काम देखे, मैं कहती हूँ एफर्टलेस काम है. ऐसी परफॉर्मेंस के मतलब देखने वाले के दिल को भी लगे, और वो अपना बस करके चली. हाथ भी बड़ा पक्का है उनका, है ना? तो खा चुका हूँ चमाट उनके हाथ से. मैं बेटा बना तो उनका बड़ा, फिर भी नहीं मुंह पतला हुआ. नहीं, मैं नहीं करना मुंह पतला, सीरियसली. क्योंकि जो लड़कियां जो मेरे गाल खींचती ना ऐसे ऐसे, हाँ. मैं चाहता हूँ, मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता. बबलू रहना चाहते मैं, हाँ. मैं इतना मासूम हूँ, इतना मासूम. मुझे कहते हैं ना, बैठो मैं लेट जाता हूँ, मैं इतना मासूम हूँ. इस वजह से मैं गाल नहीं कम करना चाहता हूँ. अगर आपको कहा जाए आप एक और शादी कर लें, किससे करेंगे? किसी से भी नहीं. आखिर बार फ्लर्ट कब किया था? या वैसे होते तो होंगे लोग दीवाने, तो होते तो होंगे आपके. होते होंगे, मगर ये कि आई एम द पर्सन. एक दफ़ा मैं उज़्मा जी का, उज़्मा गिलानी साहबा का इंटरव्यू देख रही थी, तो मुझे लगा कि दिस इज़ मी. शी सेड कि एट द वेरी यंग एज पीपल स्टार्टेड थिंकिंग दैट आई एम वेरी ओल्ड. एंड कुछ पर्सनैलिटीज़ होती है ना, जिनको हम सिर्फ रिस्पेक्ट देना चाहते हैं. एंड आई फील लकी दैट यू नो, मुझसे बड़े लोग मुझे आपा कहते हैं. पीपल हु आर प्लेइंग माई हस्बैंड सीन के बाद कहते हैं आपा ठीक हुआ है. तो मतलब ठीक है, बट क्या अवार्ड फंक्शन जो होते हैं हमारे जैसे सही होते हैं या फिर अपना अपना? कुछ शोज तो ऐसे हैं, लक स्टाइल अवार्ड्स आई हेट. वो तो फिक्स स्टाइल अवार्ड है, फिक्स है नहीं. अब ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि वो मॉडल्स का शो है. मैं कितने बड़े बड़े एक्टर्स के नाम बताऊं जो शो में नहीं होते. यस, बिल्कुल सही. और लोगों को स्टैंड लेना चाहिए कि उस शो में से ड्रामा निकालें. अगर उन्हें आर्टिस्टों को जस्टिफाई करना नहीं आता, उनको वो इज्जत एहतराम देना नहीं आता, तो वो ड्रामा निकालें, उसको सिर्फ स्टाइल अवार्ड ही रखें. अच्छा, वर्स्ट को-स्टार जिसके साथ काम करके आपने बोला यार ये मैं कहाँ फंस गया. हर इंसान के साथ एक ये फेज आता है कभी किसी सेट पर. तो वर्स्ट को-स्टार जिसे आप कहेंगे यार बस कर दे. मुझे बहुत बुरा लगता है जब पीपल स्टार्ट सिटिंग इन द ड्रेसिंग और मेकअप रूम एंड दे स्टार्ट कंप्लेनिंग अबाउट लाइफ, अबाउट पीपल. ये बहुत है. और लोगों की बुराइयाँ, ये मैं नहीं स्टैंड कर सकती. मतलब मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है. और को-स्टार क्या इरिटेटिंग होगा? सही. मतलब काम खराब करेगा, रीटेक्स देगा, कोई बात नहीं. चलो, एक चीज करना चाह रहा हूँ मैं आपके साथ, ठीक है ना? अगर आपने कर लिया
तो मैं आपको अभी इसी वक्त 1,00,000 रुपए कैश दूंगा, ओके, प्रॉमिस, ठीक है, और अगर नहीं किया तो आपने 1,000 रुपए मुझे देने, ओके, डन, ये करो, हाँ, ये क्या तालियां क्या बजा रही हैं? ये 500 रुपए तुम्हारे हो गए, हजार नहीं, क्योंकि मैंने, थैंक यू सो मच थैंक यू, अपना शाहिदा जी बहुत मुझे अच्छा लगा आपका, जमील मुझे भी बहुत मजा आया तुम्हारे शो में आके, थैंक यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट ज़ुहाब, थैंक यू सो मच। अच्छा रुखसाना, नेक्स्ट शो जब होगा तुम्हें आना है जरूर, शो जरूर आऊंगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ताला। अच्छा राणा रिजवान को भी लेके आना है, राणा रिजवान को तुमने लाना है, बस इंशाल्लाह ताला। ये थी हमारे साथ आज सेलिब्रिटी रुखसंदा खातून, और मुझे बड़ा मजा आया इनके साथ काम करने में। अब देर भी हो रही है, जा रही हूँ ना, तो खत्म कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच आपा, इट्स अ प्लेजर एंड आई सीरियसली विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। जी नाज़रीन, ये थी शगुफ्ता एजाज, और मुझे अपने होस्ट आगर शिराज को इजाज़त दीजिए इस अपनेपन के साथ कि नेक्स्ट वीक हम फिर से मिलेंगे, लेकिन आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।